गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मॉर्निंग में ही मुझे राजपूती ड्रेस वेयर करनी पड़े क्योंकि सुबह सुबह हमारे जेठ सा हुकुम आ चुके हैं। तो अभी मैं उनके लिए पानी वगैरह लगा रही हूँ, साथ ही साथ मैंने उनको चाय का पूछा है। बट हमारे जो जेठ्स है वो ऐसे बोल रहे हैं कि बिन्नी हम चाय नहीं पियेंगे, मैं और रिशु के पापा, मतलब उनको वैसे रिशु के पापा नहीं बोलते बट मैं बोल रही हूँ तो आप समझ जाना, तो हम दोनों बाहर जाके गन्ने का जूस पियेंगे, बस आप तो पानी पिला दो। तो बस मैं पानी पिला के फिर उसके बाद में किचन का काम करूँगी, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। हमारे चले गए और अभी मैं बस फटाफट से किचन में लगी हूँ क्योंकि जस्ट मेरे पास मम्मी का कॉल आया था। आज कल मम्मी ने क्या ग्यारस करी थी, वो कल थी ना निर्जला ग्यारस, तो बिना पानी के ग्यारस करी थी मम्मा ने। तो मम्मा ऐसे बोल रहे हैं कि अपन है ना कुछ खाने पीने का सामान बांट के आएंगे, तो तू फटाफट से तेरा जो भी काम वगैरह है वो फिनिश कर ले और एक घंटे के अंदर अंदर मतलब तू मेरे पास आ जाना, फिर उसके बाद में अपन किसी भी कच्ची बस्ती में या फिर मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी नीडी लोग हैं वहाँ हम जो भी मम्मा खाना पीने का जो भी सामान लेगी वो हम वितरित करके आएंगे। तो फटाफट से मैं सबसे पहले मैंने दूध गर्म कर दिया है, उसको जमाऊंगी और दाल मैंने बना दी है, बनाने वाली हूँ मैं चावल जो कि जीरा राइस बना रही हूँ, तो उसके साथ हम खा लेंगे। चलो किचन को क्लीन करते हैं और हमारी जो यशु रानी है उससे भी मिलवाती हूँ आप सभी को। गुड मॉर्निंग करो यशविनी, नीचे बैठो, गुड मॉर्निंग करो, आग उठ के आगे दूध पीना, आपको नहीं पीना क्यों यशविनी? आप ना मेरे को ना काम में हेल्प कब करवाओगी, रोटी कब बनाओगी, सब्जी कब बनाओगी बताओ। मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं पता, आप बना दो ना यार। नहीं मैं तो बहुत छोटी हूँ ना। कहाँ है छोटी, आप कितनी बड़ी हो गई देखो। तुम बड़ी हो जाओगी तब कर दोगी। नहीं छोटी है, मैं ये फिंगर तो देख लो, इसकी फिंगर वगैरह छोटी है, फिर ये जब बड़ी हो जाएगी तब मेरे को क्या क्या काम करके दोगी? रोटी बना के। और ऐसे और क्या क्या करोगी? आप ऐसे करते हो? हाँ मैं वैसा ने ऐसे बोला था कि है ना आप ना जब भी सब्जी वगैरह छोको ना तो है ना ढक लगा दिया करो, इससे कि आपकी किचन खराब नहीं होगी, ऑयली नहीं होगी। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे ऋषभ? लगा देंगे, लगा देंगे। और आप तो बता दिया करो क्या क्या करना होता है ना। ऋषु के लिए जीरा राइस बन रहे हैं। मैं तो खाना ही खा लूंगा। क्यों? मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना वो राइस नहीं खाते, उनको चपाती ही पसंद है, तो राइस तो मैं छोंक लेती हूँ, फिर उसके बाद में आटा लगा के फटाफट से रिशु के लिए निकलता ही है। यार काफ़ी दिन बाद में मैंने जीरा राइस बनाया है और मेरे को जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज दाल के साथ में फाइनली जीरा राइस खाने वाली हूँ। राइस तो फटाफट से छोंक गए यार, पता है राइस बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आता। और यहाँ पे मैं आटा लगा देती हूँ, रूम में लेके जाऊँगी आटा। मैं क्या रूम में लगा के लेके आ गई थी क्योंकि यार रूम में क्या एसी चलती है ना, तो फिर मेरा मेरी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इच्छा होने लग जाती है कि रूम में चली जाती हूँ, तो साथ में मेरा आटा भी लग गया था और साथ साथ में मैंने एसी की थोड़ी हवा भी खा ली है। अब मैं फटाफट से लग गई हूँ किचन के अंदर, सबसे पहले मैं चपाती सेकूंगी और फिर उसके बाद में बच्चों के लिए मैं खाना बनाऊंगी और खाना खिला के फिर उसके बाद में पापा मम्मी के साथ में निकलने वाली हूँ। तो फटाफट से मैं मेरा सारा काम फिनिश कर देती हूँ। तो गाइज काम वगैरह मेरा फिनिश हो गया और हमारे जो हेलो गाइज है वो भी आ गए, चलो मिलवाती हूँ आप सभी को भी। हेलो गाइज, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कल तो गाइज आपने मेरे को देखा ही नहीं, नहीं आप मेरे से मिले, आपको फोन किया जो फोन उठाया ही नहीं, कितने 10 फोन किया आपको, अरे ये याद आई? फोन तो क्या हमें पता ही नहीं थे, बेच रहे थोड़े थे कल तो। नहीं नहीं फोन मत, 50 फोन कर दिया वाला, चाहिए फोन दिखाओ कोई ना। कल गाइस पानी नहीं पिया मैंने बिल्कुल ही, निर्जला ग्यारस करी और कल मैं भी करके आया, वो देखोगे कलरिंग वाला सिस्टम। आज हम भी करके आए, आज मम्मी करने जा रहे हैं। क्या बांट रहे हो मम्मी? समोसा कचौरी है, कचौरी आज गाइस कचौरी बांटूंगी। इन्होंने तो भाभियों को खिलाया पिलाया, मैं भूखों के पास जाऊंगी उनको, जिनको नीड है। सही है, नीडी आदमी को ही खिलाना चाहिए मम्मी। और क्या, ये गए नहीं कल, मैंने बोला था इनको उधर जाओ। नहीं उधर भी गए थे, यहाँ पे भी गए थे, ये दो तीन जगह जाके आए। पापा नीडी आदमी का नहीं जाओ ना पापा,
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कच्ची बस्ती, और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी और रोकते ही इतने सारे बच्चे आ गए थे, मतलब दूर दूर से बच्चे भाग भाग के आए हैं। जैसे ही गाड़ी देखी इन्होंने तो इन्होंने सोचा ही था कि कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, तो अब फटाफट से अपन इन सब बच्चों को खाना खिला देते हैं। आप पैसे कर रहे हैं? मुझे समोसा, मुझे समोसा। ये भी एक ही प्रोडक्ट है सबके पास, सारे एक ही प्रोडक्ट है। ये दूर हो जाओ, उड़ा लेते हैं, लेते हैं, बहुत दूर हो जाओ। अरे कटी कटी किसको चाहिए? बस सारे आ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ, बच्चे एक साथ आ जाओ। इसको दो बेटा, सबको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और इधर इसको दे दे, सबको मिल जाएगा। भी दे रहे हैं सर, बड़े ही दे एक और दे दो। बस पूरी भी नहीं है, दे दे बाबू, मासूर दे दे, रसनी दे दे, वो कभी चलवा लो, कभी कभी मम्मी ये वो दो लो, मम्मी ये कट्टी को और दीजिए, पैकेट कट्टी को पैकेट और दीजिए। अनंग भाई के एक नंबर और है, ये बात हाँ, कड़ी वड़ी सब मिलेगी, बस खुलने दे, खुलने में जोड़ आएगा थोड़ा। अरे सबको मिल जाएगी, सब कपड़ों में डालोगे आप, रुको एक बार, सबको मिल, अरे सबको मिल जाएगी, और है अंदर कड़ी और मिल जाएगी, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बहुत है कड़ी, है बहुत है, टेंशन मत लिया करो, ये ले बहुत है, और आ जाएगी, और आ जाएगी। मम्मी कड़ी दीजो, कड़ी दे दो इनको, दो कड़ी दो, यहाँ के जितने भी मेंबर थे सबको हमने कचौरी खिला दी है कड़ी के साथ, और अभी हमारे पास काफ़ी सारी कचौरी वगैरह पड़ी है, तो आगे ऋषु के पापा और पापा बोल रहे हैं कि आगे की साइड और भी है कच्ची बस्ती, तो अपन वहाँ पे चल लेते हैं। और हाँ, कल के व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास ये आए थे कि भाई साहब आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं बांटनी चाहिए थी, आपको लेमन जूस बनाना चाहिए था, या फिर आपको रूह अफ़ज़ा बनाना चाहिए था। तो रूह अफ़ज़ा और लेमन जूस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप सबको पता ही है, और बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड लोग ही थे, तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांट दी थी। बाय बाय बच्चों, सब्सक्राइब करो, ये कौन है ना, लो ये लो कचौरी खा लो, बाय। बच्चा कितना, और बच्चे हैं मम्मी, 20-30 तो और है ना, सुनो और लेके जाओ कटिन, फुल स्टोक करो, आधे बड़े नहीं बड़े जैसी, भाई को भी दे दे, देना बेटा भाई को, नो 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 नो, एक एक इधर आओ, एक प्यार से प्यार से प्यार से, अरे रुको रुको तो सही, अभी रुको, ये आया पहले, अरे दे दिया दे दिया, आंटी इसको दे दो, अरे तो दे रहे ना, मेरे को दे दे, ये ले, चलो चलो चल, इसको दे, हाँ नहीं, पांच पांच पगां की गाय है, अभी पांच पगां की है, सगली पांच पगां की आंगन, पांच पांच पैर होते हैं ऋषभ इनके, तो मम्मी बांट के आ गए, क्या को लागे थान, अच्छा लागे, नीडी है आए,
ऋषि वाला पापा बन कोल्ड ड्रिंक है ना अठीन की साइड आया आया भी आए पर सगली मेरे हिसाब से अठे ही बांटनी चाहिए। हाँ सारी अठे ही बांट देता, सारी अठे ही बांट देता क्या ना ठंडा कद कद मिले। हाँ ऋषि आप बोलना चाहते हैं कुछ? मम्मी की इच्छा यही कि निडी बच्चा नहीं या फिर वहाँ की फैमिली नहीं ही मैं खिलाऊँ। और लेके तो गाइज अब फटाफट से मेरे को तो मेरे घर पे छोड़ दो और फिर घर पे जाने के बाद में पूजा भी हमारी चिराना जा रही है आज। अच्छा ऋषि की मेहमान वाली है। ठीक है मम्मी बाय बाय चिराना जाओगी? चलो ऋषि। हाय राम ऋषि थक गए। ऊपर जाके अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी और थोड़ा सा आराम करके फिर पूजा को मैं छोड़ के भी आऊँगी। 8 नंबर में जाती है या फिर मुझे चोमो बुलिया छोड़ के आना पड़ता है वो सारा उससे पूछूंगी। सांस भर जाता है। जी जी कर ली अश्विनी आपने? और आपको भी कर दूँ? थैंक यू। यशु आप कहाँ जा रही हो मेरे को छोड़ के? है यशविनी ये वाला? यशविनी आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? बस बहुत है बताओ यशु। नहीं मैं वापस से आ जाऊंगा। हैं वापस से कब आओगी? अभी आ जाऊंगी। कब तो अभी आ जाऊंगी। अभी नहीं बाद में। आप किससे मिलने जा रही हो? दीदी से। दीदी से पूछ ली छोड़ जा रही है कि मन बावली बता ले जाऊंगी कि ले जा अच्छी लग रही है ना। मैं पूछा तब ये पहन लेंगे और ये जब डांस करेंगे तब ये पहन लेंगे। ठीक है ठीक है कर लेंगे। ये रख दो ये एक एक्स्ट्रा ले लें सुस्तू कर लेंगे ये इसके नीचे कुछ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ गाड़ी के अंदर क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा पूजा आएगी तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी। और पूजा और यशविनी जैसे कि मैंने आपको बताया है थंबनेल में भी आपको पता चल ही गया है कि कहाँ जा रहे हैं। पूजा और यशविनी जा रहे हैं चिराना और यशविनी की छुट्टियाँ अभी 10 दिन की और बाकी पड़ी है तो पूजा ने बोला कि 10 दिन बाद में या तो तू आ जाना और या फिर मैं छोड़ के चली जाऊँगी जैसे भी होगा वैसे देख लेंगे। तो 10 दिन की यशविनी की छुट्टी बाकी पड़ी है बट इसका क्या हॉलीडे जो होमवर्क है वो फिनिश नहीं हुआ 2 दिन का इसका यशविनी का बाकी है। तो मैम ने ऐसे बोला है जस्ट अभी मैम आई थी कि यार यशविनी को क्यों लेके जा रहे हो तो मैंने मैम को बोला है मैं कि यशविनी 2 दिन पहले बुला लेंगे यशविनी को है ना 2 दिन पहले बुला लेंगे। यशविनी सब फ्रेंड्स को बोलो कहाँ जा रहे हो आप बताओ सबको। मजे करने जा रहे हैं। मजे करने जा रहे हैं? और ये किसने लगाया है यहाँ पे? आपने लगा रहा मैं। अच्छा यशविनी यार मेरे को आपकी याद आएगी पूजा की भी याद आएगी मैं क्या करूंगी। यशविनी यशविनी आप तो बहुत मजे करने वाले दिखाओ मुंह दिखाना आपका आप तो बहुत सुंदर लग रही हो यशु। तो यहाँ पे जूस के लिए रुकी हूँ मैं क्योंकि यशविनी को और पूजा को मैं जूस पिलाना चाहती हूँ। ये दोनों के गर्मी का माइंड तड़पड़ा हुआ नहीं पूछ ली भैया एक छोटा गिलास और लाके दो स्ट्रो भी लाना ना पूजा पकड़। यशविनी देखो मैं फिनिश करती हूँ या आप करती हो देखते हैं जीतना किसको है। यशविनी की शूज है ना गंदे हो रहे हैं है ना यशु। चलो यहाँ पे आपको नई शूज दिलाएंगे ये वाले अच्छे लग रहे हैं यशविनी मेरे को तो और यशविनी को ये अच्छी लग रही है। यशविनी देख लीजिए बट गेला मना माच रहे जे मेरे को तो पुरानी वाली चाहिए नई वाली चाहिए। हे कलर ये तो लड़कियों के सब यशविनी जब बड़ी हो जाएगी तब यही लेके जाएंगे अपन। नहीं चाहिए इसको कोई सही है? पसंद नहीं है दिखा चल के दिखा इधर आ। ठीक है चल पा रही हो? चल पा रही हो अच्छे से? बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा आपको है इतनी चिराना स्टैंड से घर तक पैदल चलना पड़ेगा तुझे। यशविनी का सर तो ले लिया तेरा मजा। अपन
दोनों ने न्यू स्लीपर पहन ली और पुरानी वाली स्लीपर डब्बे में डालेंगे। यश्विनी की तो ले जा, लेके जाएगी क्या यश्विनी? तन बता तो तन केला गए। ये वाली स्लीपर सही है या फिर है ना, इसमें चल पा रही हो? ये अपन क्यों अपन अपने बैग में बुझा गई नहीं है, कहाँ पे रखेंगे बताओ? लेनी है देखो, ये नहीं लेनी। चल लोगी आप इसमें बहुत दूर, भाग सकती हो, भाग के दिखाओ। आठ नंबर टेम्पो भगा, टेम्पो में ही बिठा दे के छोड़ रहा अति दूर, धूप में जा रहा सी वापस आसी। यश्विनी टेम्पो में चले क्या? आप टेम्पो में जाना चाहती है यशु? आज आप टेम्पो में भी जाओगी, आज आप बस में भी जाओगी, आपके तो मजे ही मजे। जल्दी पकड़ उसको आगे, इसके साइड में लगा ले। ओहो बस आ रही है, ये ले जल्दी जल्दी। होरन होरन बजा। बैठो बैठो जल्दी, बैठो बैठो। बाय यशु, बाय बाय कर दो मम्मी, बाय। ठीक है पूजा, बाय। मैम हमारे पढ़ा के आ भी गए हैं और अब आपके जाने की तैयारी। हाँ मैम, अपना फोन भूल गई। मैम अपना फोन भूल गई तो ले लेगी, ले आएगी। मजाक कर रहा हूँ, मैम ने मेरे को दिया फेक फोन। फेक फोन है ये, देख लो कितना भी दबा लो नहीं होएगा। ये डमी फोन है। सुन रिशु, आज तेरी एक दो तो कार्ड देके वो दादा दादी वाली फोटो अपन को क्लियर करनी है। आज आज कार्ड पता है तुझे कहाँ है? हाँ तो शाम को चलेंगे अपन, है ना, वो फोटो लेके। फिर जल्दी से जल्दी तेरा जितना भी होमवर्क है ना वो कल कल में फिनिश करेंगे अपन। इतनी सारी स्लीपर इकट्ठी कर दी ऋषु ने उस वाले घर से लाके, अब मैं छोड़ के आती हूँ। ये वाला जो कार्ड आप देख रहे हैं ये ऋषभ ने बनाया है अपने दादू के लिए और माँ के लिए, तो इसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करनी है पापा की और मम्मी की। मैं उस वाले घर पर जाके और जितना भी होमवर्क वगैरह दिया है ना ऋषभ को हॉलीडे वाला, वो सारा आज और कल में फिनिश करने वाली हूँ मैं। तो ये इस कार्ड का कुछ नहीं कर, ग्रैंड पेरेंट्स तो ये लाग रहे हैं आपने कान्हा जी के कॉटन का कपड़ा करा के, कॉटन का कपड़ा करा चाहिए। ये देखो मम्मी ये सिलाई करे कान्हा जी की ड्रेस सिल करे पूरे दिन। और ऋषि और थाने और पापा ने कार्ड देसी की फोटो खींच रही है कि क्या की होमवर्क आयो और थाता ने लिखे ऋषि। तो थाता ने मैगी कला के दिखे ओए काम है तेरो, भूख लग रही थी। एक तो गई चिरण है, वहाँ का मैं राजा, वहाँ का मैं राजा ही है बोले। और देखिए हमारा भाई ऋषभ इतना राज करेगा, इतना राज करेगा किसी ने सोची ना होगी। अब इधर देख, एक खोल के दिखा। हाँ ऐसे पकड़ फोन। हाँ कान्हा जी का कॉटन ड्रेसा चल रही है, मम्मी वाला घाघरा की पिछली बार भी बनाया ने जना ने सगला जना के मान ही बताओ की बना है, मैं घर ही बना लिया ये ना कान्हा जी आपा सही रही हो, ये ना प्रिंट आला ले रहे हैं कलर आला सिंगारना कौन पड़े, ऐसा सुंदर लागे खुद ही आपका। यान को बना छु ए को और बना छु अच्छा, दोनी हाथ बारे निकल जाए रहे ने। जब लियो सो बनाए डो। एक लास्ट फोटो और बच गई ऋषु की जो कि हॉलीडे होमवर्क में लगेगी। एक तो ये इंडोर
गेम का बोला था, एक आउटडोर गेम का बोला था। इंडोर मैंने क्लिक कर ली थी और ये आउटडोर गेम का, इसी के ऊपर मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। फिर उसके बाद में ये सारी फ़ोटोज़ मैं निकलवा के लेके आऊँगी, कलर प्रिंट। ये लो मम्मी, आपकी फेवरेट दही पताशी, ये अच्छी लगती है। हाँ क्या हुआ? बोल रहा पहले मम्मी पैसे दे के तभी खिलाऊंगा। भैया आप खिलाओ इसको, मसाला नहीं होना चाहिए, बस पानी पानी पीता है मेरा बेटा। मम्मी बाय बाय। मुंडा भरेड़ा हुआ आइसक्रीम। ये रिशु चले, रिशु माँ के पास क्यों नहीं रहना चाहता? जा मैं तो रह लूंगा, मम्मी लेके जा रही है। नहीं नहीं मम्मी के, गाइस मम्मी के आजकल बेटी नाने रह गई है। बेटी नाने रह गई, बेटी मेरी नाने रह गई, नाने रह गई, नाने रह गई। तू तो भूत लग रहा है इसमें। ये देखो नीचे गेम खेलते हो जो मैंने खींची थी। अरे दो घर है। आज के मेरे सारे काम फिनिश हो गए, लास्ट अब बस खाना बनाना है और बच्चों को खिलाना है, ऋषु के पापा को खिलाना है। और आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।